सम्मानीय हमारे डबरा क्षेत्र से आए बड़े बुजुर्ग युवा भाई, हमारी बहनें, हमारे सम्मानीय पत्रकार भाई, सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, सब यहाँ डबरा विधानसभा के बैठे हैं कि मुझे 1.5 साल में आपसे वोट मांगने की जरूरत पड़ी है और नाकर में 5 साल के लिए तो चुनी थी तुमने, लेकिन अब हम कहा बताए। श्रीमंत महाराज ने इतनी मीटिंग करी, कांग्रेस की इतनी मीटिंग करी कि इनमें कांग्रेस की सरकार बना गई। जैसे तो हम 7 साल विपक्ष में रहते तो चौहान साहब के संग अच्छे थे, 1.5 साल में तो हमारा सत्यानाश होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ और महाराज साहब आपसे कहना चाहती हूँ, कोमर साहब बैठे हैं यहाँ, 1.5 साल में आपने देखा पूरे डबरा वासियों ने, मुझे कमलनाथ जी ने एक हेड पंप भी नहीं दिया और 1.5 महीने में सम्मानीय महाराज साहब चौहान साहब ने 5-5 मोटरें चलाई जिनसे बोधन हो रही पूरे डबरा में। तो कई लोग कई बातें करते हैं, आपके सामने करते हैं। कल लाखन सिंह जी भी कह रहे कि वो बेंगलोर में मंत्री लगी थी, मंत्री और इमरती देवी जी ये भाजपा पर सरकार है, जल्दी लात मार के भगा देती है। टीवी पे हमें बात हो रही थी तो हमने कही भाई साहब ये लक्षण तो तुम में आते, तो मायावती ने एक बार में लात मार गई तो तुम दिग्विजय सिंह के पावन में गिरे। और मंडी की बात रही तो जब तुम बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे तो दिग्विजय सिंह ने तुम्हारी पीछे एक मंडी लगाई थी। तो जिसके शीशे के मकान होते हैं वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारते। आज मैं डबरा वालों से सभी से कहना चाहती हूँ कि आपसे सब कहते हैं पूरे कांग्रेस ही जा रहे और कहते हैं इमरती देवी तो बीत गई, वो ना तो पैसा ले लाए, लेकिन हाँ उनकी बात मैं मानती हूँ, मैं बीती हूँ डबरा के विकास के लिए, मैं बीती हूँ श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए। और ये बदला आप मेरे सम्मान का बदला आप ही कह सकते हो और कोई नहीं कह सकता। अगर जो बात वो कर रहे हैं और आप मेरे साथ हो, मुझे पता है कि मेरी डबरा की जनता मुझे इतना दिल से चाहती है कि कभी हमें फेल ही नहीं करेगी, पास ही करत रहेगी। तो मैं डबरा वालों से कहना चाहती हूँ, सारे जितने लोग यहाँ हैं, चाहे बारकरी जिगनिया की नहर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी कि मैं बनवाऊंगा, चाहे लवेरा का डैम हो, हमारे भाजपा के नेता सब आपके यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे, चाहे पिछोर की बड़ी तहसील हो और महाविद्यालय हो, उसका भी हमारे नेता जाकर भूमि पूजन करेंगे, और चार डबरा में सब स्तर का अस्पताल हो और स्टेडियम हो, 8 बीघा में स्टेडियम, हमारे नेता उसको भी भूमि पूजन करने जाएंगे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप जिस पार्टी में मैं गई हूँ उसमें मुझे अब तो ऐसा लगता है कि काम तो ठीक है लेकिन इमरती देवी का सम्मान बहुत है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय बड़े भाई साहब में बैठी हूँ तो कहते हैं बैठिए बैठिए, और कमलनाथ कहते चलो चलो, हमें टाइम नहीं है, 24 घंटा है, 25 तो है नहीं तो तुमसे बातें करेंगे, अब इनसे 25 घंटा काम से निकल आए। और मैं इतना भाभी में भी बैठ के आई,
उनका इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। हमने कहा धन्नो महाराज साहब, सिंधिया जी तुमने बहुत अच्छी जगह भेजा। तो मैं तो लाल प्यार की भूखी हूँ, महाराजा साहब, मुख्यमंत्री जी, तोमर साहब, इस वजह से जो जनता मेरे साथ है। और मैं उनसे विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जैसे मुझे 3 बार जिताया है और फिर आप जिताओगे, मैं आपके सामने ना कभी विधायक बनी हूँ ना मंत्री बनी हूँ, आपकी इमरती हूँ और आपकी इमरती रहूंगी। धन्यवाद।